एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आज की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है ये रिलेटेड है आपके बिहेवियर चेंज से, प्लस आप अपना रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड की हेल्प से कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो स्टोरी है ये मुझे मेरे मेल के थ्रू शेयर की गई है। अगर आपकी भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं apurva1111sharma@gmail.com। प्लस अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगनर हैं, आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि आप डेली दो से तीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज देखिए, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो। क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डेली दो से तीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज देखिए, सुनिए एंड मोटिवेट कीजिए अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी की तरफ। हेलो अपूर्वा, प्लीज कीप मी अनोनिमस। मैं आपको काफी मन से फॉलो कर रही हूँ एंड योर वीडियोस आर रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। आपने जैसे कि एक बार सजेस्ट किया था कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए द सीक्रेट मूवी देखें, तो मैंने वो ही किया एंड इससे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत हेल्प मिली। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया एंड अपना रिलेशनशिप ठीक किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। ये मेरा 7th रिलेशनशिप था एंड मेरे सारे रिलेशनशिप इसीलिए खराब होते थे क्योंकि मैं थोड़ी पोजेसिव पर्सनैलिटी हूँ एंड मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं पाती थी शक करने से। ये पर्सन जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है थोड़ा गुस्से वाला पर्सन है जो कि नॉर्मल है, बट मैं अपना बिहेवियर चेंज करना चाहती थी। मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा था कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात भी करता था तो मैं खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाती थी। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि एग्रेसिव होके मैं अपने बॉयफ्रेंड को पीट देती थी। अब जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है वो गुस्से वाला तो है बट बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कट पर्सन है एंड इस पर्सन को मैं अब खोना नहीं चाहती थी। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना बिहेवियर चेंज करने में और अपना रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए अप्लाई किया। क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काफ़ी सारी वीडियोज़ देखती हूँ तो मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है। मुझे इतना पता था कि मुझे 21 डेज तक रेगुलर एक चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि 21 डेज लगते हैं आपकी कोई भी हैबिट को चेंज करने में। तो मैंने डेली एक डायरी में थैंक यू लिखना शुरू किया एंड डेली 20 चीज़ों को थैंक यू बोलती थी। 10 चीज़ें अपने रिलेशनशिप के लिए अच्छी बोलती थी एंड 10 चीज़ें अपने बिहेवियर को लेके बोलती थी। जैसे कि अपने रिलेशनशिप के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखती थी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स अपने करंट रिलेशनशिप में। या फिर मैं ऐसे लिखती कि मेरा रिश्ता मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत स्ट्रांग है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अनकंडीशनल लव करता है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए सब कुछ है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हूँ। ये ग्रैटिट्यूड मैं डेली अपने रिलेशनशिप के लिए लिखती थी और खुद के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखती थी, जैसे कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड हूँ, मैं बहुत काम रहती हूँ, माई बॉयफ्रेंड लव्स माई बिहेवियर, यानी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे बिहेवियर को बहुत पसंद करता है। और साथ ही मैं ये चीज विजुलाइज करती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा हाथ पकड़कर मुझे यह बोल रहा है कि वो बहुत खुश है मेरे साथ रिलेशनशिप में। एंड मैंने साथ ही ये भी विजुलाइज किया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ये बोल रहा है कि मैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ। वेल, मैंने ये चीज एक मंथ तक करी एंड स्टार्टिंग के 2 वीक्स बाद ही मेरे में चेंजेस थे और मैं पॉजिटिव फील करती थी। एंड आफ्टर 1 मंथ बहुत विजिबल चेंज था। मैं जैसे पहले बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा होती थी, अब वो चेंज हो गया था। साथ ही मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा होता जा रहा था। अभी मैं 1 वीक पहले ही अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी एंड उसने सेम उसी तरीके से मेरा हाथ पकड़ा एंड बोला, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव सच एन अमेजिंग पर्सन एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन इन माई लाइफ। यानी कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें ये बोला कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आपके जैसा अमेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिला। एंड आई वॉज शॉक्ड, बट आई नो मैजिक इज रियल एंड उसने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया। मैं आज भी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ एंड आज भी थैंक यू बोलती हूँ उस परमात्मा को जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी पहचान कराई। थैंक यू सो मच।
सिर्फ इतना बोलूंगी कि चेंज करना फ्यूचर को ये आपके ही हाथ में होता है। थैंक यू अगर आपने मेरी ये स्टोरी शेयर करी हो। लव यू एवरीवन, बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी। एंड यस, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आप एक चीज बताइए, जब आप किसी की तारीफ करते हैं या फिर कोई आपकी तारीफ करता है, आप कैसा फील करते हैं? ऑब्वियसली अच्छा फील करते हैं, यू फील गुड, यू फील अमेजिंग। तो अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप उसी तरीके की वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, आप उसी तरीके की एनर्जी क्रिएट करते हैं, अच्छी एनर्जी आने की। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं या फिर अगर आप अपना रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हैं तो डेली उस रिलेशनशिप के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए। इवन द सीक्रेट मूवी में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है मूवी में एंड जो बुक है उसमें भी, कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो डेली उसके बारे में, अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के बारे में इनफैक्ट आप अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। एंड अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, अगर आपके रिलेशनशिप किसी से भी ख़राब है, आपके बेटे से या फिर आपकी मदर से, फादर से, ब्रदर से, सिबलिंग से, किसी से भी, तो आप डेली उनके बारे में अच्छी अच्छी 10-20 चीज़ें लिख सकते हैं। आप नंबर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आप डेली थैंक यू बोलें एंड उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जो रिलेशन है वो और स्वीट एंड अच्छे होते चले जाएंगे। ये एक्चुअली द सीक्रेट मूवी में भी दिखाया गया है एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी में क्लियरली लिखा हुआ है। प्लस ये ट्रिक मैं भी करती हूँ जब मुझे अपने रिलेशंस किसी के साथ अच्छे करने होते हैं। अगेन, आप ग्रैटिट्यूड से अपने बिहेवियर चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ स्टोरी में दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई लव यू गाइज एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू। आई लव यू। थैंक यू सो मच। बाय। Okay.